हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लंच बॉक्स। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चे लोगों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्रिस्टल पुडिंग, जो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है बट बनाने में भी बहुत मज़ेदार रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने लिया है ब्लूबर्ड का जेली पाउडर। आप कोई भी कंपनी का जेली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसमें इस तरीके के दो पैकेट्स आपको मिलेंगे। ये दोनों पैकेट्स आप एक बाउल में दोनों को डाल के मिक्स कर लीजिए। आप डायरेक्टली भी बॉइलिंग वाटर में मिला सकते हैं। मैंने एक बाउल में डेढ़ ग्लास गर्म पानी लिया है। ये एकदम अच्छे से कड़क गर्म होनी चाहिए। उसमें मैंने ये पाउडर डाल के अच्छी तरीके से इसको मिला लेना है, जब तक पाउडर अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। इसके बाद इसको कोई भी सांचे में डाल लीजिए और अपने मन पसंदीदा कोई भी कलर यूज़ कर लीजिए। मेरे पास रेड एंड ग्रीन कलर था तो मैंने ये कलर्स यूज़ किया है यहाँ पर। इसके बाद इसको थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। उसके बाद इसको फ्रिज में डालिए कम से कम एक घंटे के लिए। एक घंटा हो गया है, जेली हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अभी इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। इसके बाद कोई भी चम्मच की मदद से इसको निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पर आधा लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा है, उसको अच्छे से बॉयल होने देना है। उसमें ये चाइना ग्रास का जो पाउडर रहता है, ये इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, आप ये ले सकते हैं। एंड उसमें गर्म होने के बाद बॉयल होने के टाइम पे ये पाउडर डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। दूध बॉयल होने लगा है, अब ये टाइम पे गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब कोई भी बर्तन लेना है, उसमें ये जेलीज इस तरीके से फैला लेना है और उसमें जो गर्म दूध है वो डाल लेना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए रखिए और दो घंटे तक फ्रिज में रख देना है। दो घंटा हो चुका है, अभी ये अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसको इस तरीके से साइड साइड से आपको लूज़ कर देना है। उसके बाद उसको कोई भी प्लेट में आपको निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बन के आया है। ध्यान रखिए पुडिंग दो घंटा कम से कम आपको फ्रिज में रखना है, नहीं तो पुडिंग अच्छे से बन के नहीं आएगा। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, आगे शेयर कीजिए और जो नए आए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।